बरेली पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। आपको बता दें बरेली के बदायूं रोड को रिसोर्ट में आज लोकसभा युवा सम्मेलन का हुआ आयोजन, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे और लोकसभा प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के छत्रपाल गंगवार को जिताने की करी अपील। वहीं सपा कांग्रेस गठबंधन पर साधा निशाना। वहीं बड़े बड़े नेतागण व सभी बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बदायूं रोड पर पुलिस प्रशासन अलर्ट रहा। आप देख रहे हैं यूपी बरेली की हलचल। लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। नतीजे ने कहा है कि आप लोग दोषियों का जिहाद करिए। भारत के अंदर ना लौ जिहाद चलेगा, ना जमीन का जिहाद चलेगा और ना वोट का जिहाद चलेगा। इस समय अगर कुछ भी चलेगा तो हिंदुस्तान के विकास का संकल्प चलेगा, विकसित भारत के गारंटी का संकल्प चलेगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी की तीसरी बार सरकार बनाने का जो जनता ने तय कर लिया है उस लक्ष्य को पूरा करने का काम। जयराम नरेंद्र रमेश ने कहा है कि मोदी जी की कोई लहर नहीं बल्कि जहर है और बराबर झूठ। ये 2014 में भी ऐसे कहे थे, कांग्रेस विपक्ष के नेता का पद प्राप्त करने वाले सांसद नहीं बना पाई। 2019 में प्रधान सरकार बना रहे थे और 2019 में कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया। इस बार तो कांग्रेस 40-20 शायद सांसद जीत पाएगी कि नहीं जीत पाएगी। इंडी गठबंधन टाइम टाइम फिच हो गया है और गप्पू और पप्पू की जोड़ी फेल हो गई। मोदी जी और योगी जी को क्या मतलब लेना देना? श्री अखिलेश यादव जी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी के बारे में नहीं जानते हैं, उनको जानना और समझना चाहिए। इस देश की किसी की भी संपत्ति है उसका सर्वे कराने वालों के मन में क्या जहर भरा हुआ है वह सब मालूम है लोगों को। अभी कर्नाटक में एक आरक्षण का मॉडल कांग्रेस की सरकार ने खड़ा किया है, जिसमें ओबीसी का आरक्षण छीन करके मुसलमानों को देने का काम किया है और भारत का संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण देने के खिलाफ है। इसलिए जिन लोगों ने इस प्रकार का पाप किया है उनको सजा इसी 2024 में दिया जाएगा और कमल का फूल खिला करके दिया जाएगा, मोदी जी को पीएम बना करके दिया जाएगा। और मोदी जी का रोड शो बरेली में भी हुआ है, अयोध्या में भी होगा, बहुत जगह सभाएं और रोड शो होगा। वो देश के लिए परिश्रम करने वाले हैं, पसीना बहाने वाले हैं, देश की सेवा करने वाले हैं। क्या वो कॉपी जांचते हैं? क्या कोई हेडमास्टर है? क्या बच्चे क्या लिखते हैं, क्या पढ़े लिखे हैं? उन्होंने जो लिखा होगा, जो पढ़ा होगा, उसमें वैसी जैसे लोगों को सवाल उठाने का अधिकार नहीं है। इस देश में कमल खिल रहा है, मोदी सरकार तीसरी बार बन रही है। धन्यवाद।